सिरोंज ईद उल मिलादुन नबी पर उलेमाओं, पत्रकारों, समाज सेवियों, नौजवानों ने किया रक्तदान। ईद मिलादुन नबी पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी द्वारा ब्लड डोनेट शिविर पुराने अस्पताल में रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर वसीम ने बताया कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए ये भी एक काम है। आज हम आए दिन देखते रहते हैं कि बीमारियों की वजह से कई लोगों को खून की कमी हो जाती है और कई लोग खून की कमी की वजह से परेशान होते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हो जाती है। मानवता की खिदमत करने के लिए ब्लड डोनेट एक पुण्य का काम है। हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके। आज के ब्लड डोनेट में कुल 43 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट प्रोग्राम में पत्रकार साथियों ने भी ब्लड डोनेट किया, जिसमें प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर वसीम, सलमान अमीन, अल्ताफ खान, निज़ाम खान, आसिम दाद खान ने अपने साथियों के साथ ब्लड डोनेट कर अच्छा संदेश दिया। आयोजन समिति के मौलाना अब्दुल इब्राहिम ने कहा कि ब्लड इंसान की ज़रूरत है। वहीं एडवोकेट शोएब खान द्वारा भी कहा गया कि इंसानियत के लिए ब्लड देना चाहिए और आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, तो और भी बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए और जो लोग इस बार नहीं आ सके वो अगली बार ज़रूर ब्लड डोनेट करने आएँ। वहीं हाफिज़ कमर द्वारा भी समाज को एक संदेश दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे कि गरीब बेसहारा लोगों के लिए कभी खून की कमी आए तो उनके काम ब्लड आ सके। आज मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम त्यौहार कमेटी की ओर से ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रखा गया है। हम यहाँ पुराने अस्पताल रैया मोहल्ले में आए हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम त्यौहार कमेटी अध्यक्ष मौजूद हैं, मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष शोएब भाई मौजूद हैं। तो हम इनसे मालूम करें जाके डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब अभी कितना यूनिट हो चुका है और कितना हो सकता है? सर अभी हमारे 23 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है और बाकी 4 यूनिट में डोनेशन में 50 यूनिट के आसपास कोई तैयारी थी, 50 यूनिट कम से कम कराए। बाकी आप देखते हैं सर कितना हो सकता है, कितने लोग बढ़ कर के बाद दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, घूमने से फायदा होता है या कोई नुकसान पहुँचते हैं इससे? जब आपने कोई जो घूमता व्यक्ति को इससे फायदा होता है या कोई नुकसान होते हैं क्या? घूम देने के साथ बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम ब्लड में अपनी जिसकी जो लाइफ टाइम लाइफ होती है वो 90 दिन की ही होती है ना, उसके बाद तो वैसे ही अपना जो खून है उसकी जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती है, जिससे खून गाढ़ा होता है ना। खून देने से फायदा ये है आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और सबसे बड़ा काम ये है कि आप किसी की जान बचाते हैं, अपने खून से किसी की जान बचती है, सबसे बड़ा काम है। और काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक है, इस टाइप की बीमारियां अपन को नहीं हो पाती ब्लड देने से, ब्लॉकेज नहीं बनती। और भी जैसे अपन बहुत सी बीमारियाँ अपन वैसे खून देने से अपन जाँच करते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को मालूम चल जाता है जो अपन कभी जांच ही नहीं करा। अच्छा, हमारे साथ वसीम भाई मौजूद है, वसीम भाई अध्यक्ष जाएंगे। वसीम भाई, ये कब से कर रहा है प्रोग्राम, कब से हो रहा है? मुस्लिम त्यौहार कमेटी की ओर से वक्त वक्त पर प्रोग्राम होते रहते हैं। हमने आज से कोरोना से पहले भी यहाँ पर एक कैंप लगाया था ईद मिलादुन्नबी पे, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है ईद मिलादुन्नबी का जो खुशी का दिन होता है। आज इंसानियत का दिन है, आज से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए दुनिया बनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके लिए आज पैगाम दिया जाता है, उनका जन्मदिन के रूप में लोग मनाते हैं, कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं जलसे होते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, जलसे भी होते हैं। इसी उसमें हमने सोचा कि ब्लड डोनेट कार्यक्रम रखा जाए, जिससे लोगों को हमारी इंसानियत, हमारे मोहम्मद ने पैगाम दिया है, एक इंसानियत का पैगाम, मानवता का पैगाम, संदेश जो दिया है वो संदेश जाए लोगों में। और यहाँ पर जो ब्लड दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम आएगा, उसमें जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं होता ब्लड में, जिसके भी काम आएगा वो हम फख्र महसूस करेंगे कि उनको भी ब्लड काम आया। आज हम देखते हैं अस्पतालों के अंदर बीमारियाँ हैं बहुत तरह तरह की और लोग ब्लड की कमी की वजह से यहाँ तक के मौत हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जिसके भी काम आ जाएगा तो कम से कम हमारे लिए फख्र की बात होगी कि इंसानियत के लिए हमने कोई काम करा और इंसानियत के काम करने की वजह से हमने यहाँ ये गिरा नदी में ब्लड डोनेट किया। शोएब खान साहब मौजूद हैं, उनसे मालूम करना चाहेंगे आज मिलादुन्नबी पे ब्लड डोनेट का प्रोग्राम हो जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक खैर बात में? बहुत अच्छा काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलादुन्नबी
के दिन जो है कोई भी नेक काम और इंसानियत का काम करने में बहुत ज़्यादा सवाब है। ये पूरा महीना ही सवाब का महीना है और अधिक से अधिक लोगों को अभी 4 बजे तक टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे देना चाहिए और इस महीने के अंदर इस मंथ के अंदर बाहर मस्जिदों के अंदर जो है इंसान में जो है मिलाद होते हैं, जलसे होते हैं और भी सब लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग इस बार नहीं आ पाए अगली बार जब भी कैंप लगे वो लोग आगे जो है उनके ताकि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं जिन जो अपना खून का इंतजाम नहीं कर पाते वो ब्लड बैंक जो उनको जो है आसानी से जब ब्लड मुहैया होता है तो आसानी से ब्लड मिल जाता है। तो मालदार लोग अमीर लोग तो जो है कहीं से भी इंतजाम कर लेते हैं, बाकी जो हॉस्पिटल में गरीब लोग जाते हैं सरकारी अस्पतालों में उनको जो है ब्लड बैंक से आसानी से ब्लड मिल जाता है। अगर जो लोग इस बार नहीं आ पाए वो अगली बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोग जो है ब्लड दें ताकि जो है गरीबों का भला हो। और आज के जन्मदिन है, इस मौके पर तो जो इंसानियत का काम करे और सब कह देना वहाँ साहब डॉक्टर गोलू मौजूद हैं, इनका मालूम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब इससे क्या फ़ायदे हैं मुझे बताया था। ब्लड देने के फायदे तो ये हैं कि जो अपन ब्लड देते हैं वो स्टोर ब्लड रहता है अपने शरीर में और दे देते हैं तो फिर नया ब्लड भी अपने शरीर को पता नहीं लगता है और विद इन एक महीने के अंदर नॉर्मल जैसा ब्लड पहले था वैसे हो जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, कमजोरी नहीं आती है कुछ कहने तो अच्छा रहता है। ब्लड डोनेट करना सभी को करना चाहिए, 6 महीने में एक बार तो कम से कम ब्लड डोनेट करना चाहिए जिससे अपने शरीर में नया फ्रेश ब्लड बनता है, जिसमें ब्लड नहीं है। यहाँ पर साफ कहना है डॉक्टर साहब का भी के ब्लड देने के ज्यादा फायदे हैं, ज्यादा एक महीने में दोबारा मैदा पीरियड हो जाता है और हमारे में अगर कोई बीमारी है उसका भी अगर जानकारी कोई बीमारी हो जाती है हमारे में ये बीमारी है क्योंकि ब्लड देने से पहले खून भी चल जाती है और दूसरा एक सवाब का काम भी है। मुस्लिम समाज कमेटी और मुस्लिम समाज के सामने मिलकर ये जो प्रोग्राम रखा है ब्लड डोनेट का ये एक सवाब का काम है। आज मिलाद नबी है, बहुत बड़ा एक त्यौहार है और बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आज उनके जन्मदिन में इतना बड़ा काम हो गया है, सवाब का काम है। तो मेरा साथ मेरे साथी आजम कमर।